अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, ये जो है IREF की तरफ से आज हम लोग जितने भी हमारे सामईन और नाजरीन आए थे, भाइयों और बहनों को हम लोग ये दो जो है पेपर्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए, ये पेपर और ये पेपर। इसमें वो मशहूर आयतें हैं जो 26 से भी ज़्यादा हैं, जिसके बारे में अक्सर गैर मुसलमानों को गलत फहमी है कुरान की तालीम को लेकर, और जो दुश्मनान इस्लाम इसको बड़ा मशहूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो पीछे के पेपर पर जो ये आयतें हैं, ये इन 26 से ज्यादा आयतों में की वो 26 आयतें हैं जो वसीम रजवी ने अब पेटिशन में फाइल की हैं। अल्लाह की शान ये है इसमें, जो हमने इसमें ऑलरेडी मेंशन किया है, वसीम रजवी को अल्लाह ने ऐसी गफलत करवाई कि उसने सूरे की नंबर की जगह आयत नंबर डाला, आयत की नंबर की जगह सूरे का नंबर डाला। मिसाल के तौर पर सूरा आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 151 वो पिटिशन में डालना चाह रहा था, लेकिन उसने डाला सूरा नंबर 151 सूरे का नंबर डाला, आयत नंबर 3 डाला। और हम सबको मालूम है कुरान में सिर्फ 114 सूरे हैं, सूरह फातिहा पहला है, सूरतुन नास 114 सूरा लास्ट है। उसने वो पूरी जो गलतियां की है, अल्लाह ने जो उसको गाफिल कर दिया, वो हमने इसमें मेंशन किया कि वो उसने क्या गलती की और असल वो कौन सी आयत डालना चाह रहा था। तो ये दोनों हमने आम किए ताकि सबको ये शुकू के खत्म हो जाएंगे, भाई कुरान में वो कौन सी आयतें हैं जो ये सबके सामने बताना चाह रहा था और ऐसी कौन सी आयतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर हाफिज तिलावत करते हैं, हर मुसलमान कुरान में तिलावत करते हैं, लेकिन कभी भी ये लोग आज तक कोई बम उठा के या दहशतगर्दी करने के लिए नहीं निकल गया। खुद हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये खुले आम पार्लियामेंट में ऐलान किया है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा हिंदुस्तान का तबका, बल्कि 1% भी नहीं, 1% से भी बहुत ज्यादा कम तबका है जो शायद कुछ ऐसे वैसे आवारा हरकतें दहशतगर्दी के करता हो। अक्सरियत यहाँ पर वो है जो कुरान से जुड़ी हुई है, लेकिन कोई दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है माशाल्लाह। तो हमने उन पूरे आयतों का एक पेपर बनाया ताकि सब में मालूम रहे, कल के दिन कोई बोले भाई 26 आयतें कौन सी है, तो कम से कम अगर आपको वक्त निकल जाए आप खुद पढ़ के बता सकें बहुत अच्छा है, वरना उलेमा से रुजू होइए और इन आयतों के बारे में जान लीजिए ताकि आप दूसरों को अल्लाह के कलाम के बारे में कुछ समझा सकें, उनको दावत दे सकें। और कितने खुशनसीब होंगे हम, सोचिए मोहम्मद अजम अगर होते और कोई कुरान पर एतराज़ करते तो सबसे पहला काम रसूल और नबी का क्या होता, कुरान की दिफा करना। आज हमारे नबी की हम उम्मत हैं, हमारे नबी साहब हमारे बीच में नहीं है। अगर हम वही काम करेंगे तो सोचो क़यामत में जब नबी सल्लम को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जब अल्लाह तारुफ देंगे आपका ये वो उम्मती है, जब मेरी कुरान पे आप पर जो मैंने उतारी थी उस पर कोई लोग एतराज़ कर रहे थे तो इन लोगों ने दिफा की उसकी। तो इसके लिए सीखिए और इंशाल्लाह जन्नत अल्लाह की तरफ से हासिल कर लीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर।